हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज की इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने से पहले आपने डेरिवेटिव पढ़ रखा हो, आई होप आपने डेरिवेटिव पढ़ रखा होगा, लेकिन डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, मीन्स क्या है। तो देखिए, आपने अभी तक क्या पढ़ा होगा, बस आपने डी बाई डी एक्स अप्लाई करना सीखा होगा, अब उसका हम एप्लीकेशन पढ़ने वाले। तो देखिए, डेरिवेटिव इज एन एक्सप्रेशन। डेरिवेटिव क्या है, एक एक्सप्रेशन है। दैट्स गिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, जो हमें क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये लिखते हैं कि डी बाय डी एक्स, मतलब क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, मतलब ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, मतलब वाई में कितना चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। हम लिखते हैं ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस का 10x। एग्जाम्पल के तौर पर मसलन हमने ले लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस का 10x। अगर हमें इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा तो मतलब डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, 10x प्लस का 10। ठीक है, तो यहां क्या हुआ कि अब इसी को हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए, यहां पर वाई क्या था, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि x के रिस्पेक्ट में y कितना चेंज हुआ, x के रिस्पेक्ट में y कितना चेंज हुआ, ये हमारा क्या होता है, डेरिवेटिव। ठीक है, आई होप डेरिवेटिव समझ में आ गया होगा। तो अब आइए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। आपका जो पहला टॉपिक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो आइए अपने पहले टॉपिक की बात कर लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है क्या, तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए कि डी क्यू बाई डी पी, ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, वेयर क्यू इज द क्वांटिटी एंड पी इज अ पैरामीटर। क्या क्यू क्या है, क्वांटिटी एंड पी पैरामीटर। तो देखिए, अब निकालेंगे कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम होगा तो इसमें समझ नहीं आएगा किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, हमें वही पकड़ना है कि किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम एरिया ऑफ सर्कल की बात कर लेते हैं, हमारे कितना होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए, अगर हम इसमें क्या चेंज करें कि हमारा पूरा एरिया सर्कल का एरिया चेंज हो जाए, तो देखिए सर्कल हमारे ए सर्कल हो गया, हमने आर रेडियस का एक सर्कल ले लिया। ठीक है, तो इसमें हम क्या चेंज करें, किसके एरिया में चेंजिंग हो, क्या चेंज करें, किसके एरिया में चेंजिंग हो जाए। तो देखिए, अगर हम इसका रेडियस बढ़ाएं या घटाएं, बढ़ाएं या घटाएं, बढ़ाएंगे तो इंक्रीज होगा, घटाएंगे तो डिक्रीज होगा। तो मतलब अगर इसका रेट ऑफ चेंज निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना होगा, डी ए बाई डी आर कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना होगा, डी ए बाई डी आर। क्यों, क्योंकि देखिए, इसके अगर हम रेडियस को बढ़ाए घटाए, अगर हम इसके रेडियस को बढ़ाए घटाए तो पूरे के पूरे एरिया में क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो यहां से रेट ऑफ चेंज कितना हो जाएगा, डी ए बाई डी आर कितना हो जाएगा, यहां से टू पाई आर कितना हो जाएगा, टू पाई आर। अब आर की वैल्यू जो गिवेन हो आप यहां पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, एक तो ये हो गया। और कभी कभी क्या कर देता है, हमें इसी को टाइम के साथ पूछ देता है, टाइम के साथ इंक्रीमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में पूछेगा। लेकिन हमें पता है कि ये चेंज किसके रिस्पेक्ट में होगा, ए, क्योंकि देखिए हमारे फॉर्मूला है, इसमें जब हम डी वाई डी एक्स निकालते हैं तो भी हमने बताया कि डी वाई डी एक्स में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहां पर देखिए, ए क्या है हमारा डिपेंडेंट, ए क्या हमारा डिपेंडेंट, और आर क्या हमारा इंडिपेंडेंट, मतलब जो भी चेंज होगा, जो भी चेंज होगा वो आर के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। लेकिन हमने भी क्या बोला कि हमें निकालना है डी ए बाई डी टी, क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी, लेकिन इसमें टी तो है नहीं, तो क्या करेंगे, पैरामीटर चेंज करेंगे, क्या करेंगे, पैरामीटर चेंज करेंगे। आप चेन रूल भी यूज कर सकते हैं, आप देखिए क्या हम यहां पर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां पर क्या है, आर यहां पर टी के रिस्पेक्ट हम इसे कर रहे हैं तो होगा तो नहीं, तो क्या करेंगे हम इसमें चेंज कर लेंगे, तो डी डी आर पाई आर स्क्वायर
इनटू डीआर बाई डीटी. हमने क्या किया, चेंज कर लिया, पहले टी में था अब किसमें हो गया आर में. अब तो डिफरेंशिएट हो जाएगा बहुत ही आसानी से. कितना हो जाएगा यहां से 2πr इंटू डी आर बाई डी टी. अगर टाइम के साथ पूछेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको ए डी ए बाई डी टी. एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है और यह एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस. तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको. तो एक और ले लेते हैं, क्यूब का ले लेते हैं. एक हम क्यूब का एरिया क्यूब में चेंज निकाल. तो आइए हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया देख लिया, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम देखते हैं. तो देखिए हमारे हमने एक क्यूब लिया, देखिए इसका पैरामीटर हमने मान लिया कि इसका पैरामीटर आर है. या फिर चलिए हम एक्स ले लेते हैं, पैरामीटर कितना है इसका एक्स. तो देखिए वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब. अब देखिए अगर हमें इसमें निकालना हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के साथ निकालना हो तो क्या होगा. तो देखिए टाइम के साथ कितना हो जाएगा डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ एक्स क्यूब. अब यहां एक्स है यहां टी है तो क्या डिफ्रेंशिएट होगा, नहीं होगा यहां. तो क्या यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. तो कितना हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स बाई डी टी. ठीक है तो कितना हो जाएगा यहां से थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी. क्योंकि देखिए जो वॉल्यूम है वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, वॉल्यूम अपने पैरामीटर के रिस्पेक्ट में होगा और पैरामीटर इसका क्या है एक्स, तो एक्स रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट होगा और पैरामीटर किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा. तो यहां पर हमने लिख दिया इसको भी. तो मतलब फाइनल क्या हो जाएगा डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू इतना आ जाएगा आपका फाइनल. ठीक है तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका एक्सरसाइज एग्जाम्पल का. पहला इसका जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन आर इक्वल टू फाइव. आर इक्वल टू फाइव गिवेन है, पहला एग्जांपल नंबर पहला है. ठीक है एग्जांपल नंबर पहला बोल रहे हैं कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. साफ साफ इसमें बोलते हैं कि इसके रेडियस में निकालना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना. तो एरिया कितना होता है इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो गया. अब किसके रिस्पेक्ट में निकालना था रेडियस के, तो डी ए बाई डी आर कितना हो जाएगा टू पाई आर. अब क्या दिया था आर की वैल्यू फाइव दिया हुआ है तो कितना रख देंगे, फाइव पर पुट कर देंगे कितना हो जाएगा फाइव टू या टेन पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ये हमारा आंसर हो जाएगा यहां से पहला क्वेश्चन. अब देखिए सेकेंड की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू की बात कर लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर टू क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ नाइन क्यूब पर सेकेंड. मतलब इसमें क्या दिया है कि इसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट दिया हुआ है. मतलब क्या दिया है डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी इक्वल टू नाइन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ये हमें क्वेश्चन में गिवेन है. द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ नाइन क्यूबिक पर सेकेंड, हाउ फास्ट इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस वेन द लेंथ ऑफ एज 10 सेंटीमीटर. मतलब की बात कर ले अगर हम लीजिए हमारा कुछ ऐसा, ये हमारा हो गया क्यूब, ये हमारा क्यूब हो गया. अब देखिए इसका एज का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये बोला है कि अगर इसके वॉल्यूम में 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है तो इसके सरफेस एरिया में क्या चेंजिंग होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा. तो देखिए हालांकि इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसमें भी इंक्रीमेंट ही होगा. देखिए हमें निकालना है इसके सरफेस एरिया में कितना चेंज हो रहा है. तो देखिए पहले वी इज इक्वल टू कितना होता है इसका, अगर वॉल्यूम बात करें वॉल्यूम कितना होता है इसका, अगर हमने पैरामीटर एक्स माना है तो एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब, आर माना है तो आर क्यूब, ए माना है तो ए क्यूब हो जाएगा यहां से. अब हम निकाल लेते हैं क्योंकि हमें डीवी बाई डी टी दिया हुआ है तो इसलिए इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं. हमें
डीवी बाई डी टी दिया हुआ है, इसलिए इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा डीवी बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से सॉरी थ्री एक्स स्क्वायर इन टू, क्योंकि यहां पर क्या है चेन रूल सम कर रहे हैं यहां पर, कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। नहीं तो पहले आप जैसे किया वैसे भी कर सकते हैं या फिर हमने डायरेक्ट चेन रूल यहां अप्लाई किया, चेन रूल से हमारा इतना हो गया। अब यहां से नहीं इसकी वैल्यू गिवेन है, इसकी वैल्यू गिवेन है तो हम यहां पर पुट कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा नाइन इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। हम क्या करें थ्री से दोनों साइड हम डिवाइड कर लेते हैं तो थ्री थ्री कितना हो जाएगा थ्री थ्री कैंसिल आउट, यहां हो जाएगा थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, डीएक्स बाई डी टी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, डीएक्स बाई डी टी इक्वल टू एक्स नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा यहां पर थ्री बाई एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने आप लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया यहां से। अब इसके बाद हमें इसके सरफेस एरिया पूछा है, इसके सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा। एक मिनट सरफेस एरिया सरफेस एरिया पूछा है, सरफेस एरिया में कितना चेंज होगा तो देखिए सरफेस एरिया को हमने ले लिया एस, कितना होता है इसका सरफेस एरिया सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां से सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमें इतने चेंज निकालना है कि कितने किस मतलब सरफेस एरिया में कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया तो कितना हो जाएगा डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी इक्वल टू यहां से जाएगा सिक्स या फिर डी डी टी ऑफ सिक्स एक्स स्क्वायर, फर्दर क्या करेंगे हम डी 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 एक्स ऑफ सिक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी, यहां से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कितना देगा ट्वेल्व एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमें पता है कितना है थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर, थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स एक्स कैंसिल आउट यहां से हो जाएगा और कितना हो जाएगा यहां से ये हो जाएगा थर्टी सिक्स अपॉन एक्स। अब इसका लेंथ दिया हुआ है कितना दिया हुआ है टेन सेंटीमीटर, यहां पर हम टेन पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स अपॉन टेन इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स, कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा कि मतलब इसके सरफेस एरिया में 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की स्पीड से क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। आई तो एग्जांपल नंबर थ्री देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव मूव इन द सर्कल एट द स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए कोई हमारा एक लेक है, ठीक है हमारा लेक है, इसमें कोई स्टोन ड्रॉप किया जा रहा है, स्टोन ड्रॉप किया जा रहा है तो क्या बोला है कि स्टोन ये हमारा सर्कल सर्कल मूव हो रहा है, मैं सर्कल बन रहा है इसमें, ये हमारा सर्कल बन रहा है, लेकिन लेकिन हमारा वेव कैसे चलता है, वेव तो हमारा ऐसे चलता है, वेव हमारा ऐसे चल रहा है तो मतलब देखिए ये हमारा सर्कल का रेडियस हो गया, सर्कल का रेडियस होगा। अब चेंज किसमें होगा, चेंज होगा डी आर बाई डी टी, हमें ए गिवेन है, हमें डी ए बाई डी आर नहीं बल्कि डी आर बाई डी टी गिवेन है, कितना गिवेन है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो डी आर बाई डी टी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड गिवन है। अब आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल वेव इज 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये सर्कल है, ये वाला सर्कल, इसका रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब आर इक्वल टू कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। Then how fast is the enclosed area increases? मतलब जो एरिया है वो कितने तेजी से बढ़ रहा है, एरिया कितने तेजी से बढ़ रहा है, मतलब मैं अब देखिए बन क्या रहा है, फाइनली जब देखिए तो बन क्या रहा है हमारा, बन तो आखिर सर्कल रहा है तो एरिया किसका होगा E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमें गिवन क्या है डी आर बाई डी टी, हमें गिवन क्या है डी आर बाई डी टी, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा डी ए बाई डी टी निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा डी ए बाई डी टी डी डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, यहां से कितना हो जाएगा
2 pi r into dr by dt by chain rule. अब जो जो आपको गिवेन है इसे पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. कितना आ जाएगा, 2 अपनी जगह, पाई अपनी जगह, r की वैल्यू में गिवेन है 10 सेंटीमीटर इनटू, अब dr by dt कितना भी दिया हुआ है 4, तो कितना हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इस स्पीड से बढ़ेगा. तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके एक्सरसाइज 6.1 की. तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आप तक नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप वीडियो को मिस कर देंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के साथ. तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.